अपने कण कण में लोक संस्कृति की विशिष्ट पहचान बनाए मरुभूमि की सूर्य नगरी जोधपुर परिपाटियों व परंपराओं की प्रतीक मानी जाती है। परंपराओं व रीति रिवाजों का पालना करना व उसे जीवंत रखन यहाँ के बाशिंदों की मान मर्यादा बना चुका है। तीज त्योहारों के अवसर पर कला व संस्कृति की जीवटता तो देखते ही बनती है। लोक पर्व होली पर समूची सूर्य नगरी जोधपुर की गलियां रंगों में डूब जाती हैं। वहीं चंग व ढोल की थाप पर फाग गीतों व गालियों की स्वर लहरियां तो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में सुनाई देती हैं। समूचे शहर में फाल्गुन का ऐसा नशा चढ़ता है कि जिसकी खुमारी कई दिनों तक देखने को मिलती है। होली के अवसर पर जोधपुर शहर व मंडोर में निकाली जाने वाली ऐतिहासिक रावजी की गेर का आकर्षण आज भी बरकरार है। मंडोर में रावजी की गेर निकालने वालों का कहना है कि पहले फूलबाग वालों का ही व्यक्ति राव बनता था, लेकिन बाद में रावजी की पदवी को खोखरिया वालों ने खरीद लिया था। तब से लेकर आज तक यानी प्रतिवर्ष खोखरिया वासी गहलोत माली ही राव बनाए जाते हैं। मंडोर की रावजी की गैर के मेले को देखने के लिए होली के दूसरे दिन धूलंडी यानी रामाश्यामा की शाम को हजारों लोग मंडोर पहुंचते हैं। मालियों से आने वाली गैरें मंडोर में ही एकत्रित होती हैं, जहां लोक उत्सव सा माहौल बन जाता है। शहर में निकलने वाली गैरें भी कम रोचक नहीं होती थीं, किंतु बदलते परिवेश और आम जनता में अब इस लोक संस्कृति के प्रति उत्साह व आकर्षण फीका होने लगा है। इसके पीछे मूल कारण गीतों व नृत्यों में बढ़ती अश्लीलता है। हाँ, मंडोर की परंपरागत गैर आज भी पूरे जोश खरोश के साथ निकलती है। जोधपुर शहर में निकलने वाली गैरों के प्रति तत्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह तो इतनी गहरी रुचि रखते थे कि वे स्वयं होली के अवसर पर गैरों में शामिल होकर गाते थे। महाराजा मानसिंह एक अच्छे गायक होने के साथ साथ होली के लोकगीत भी लिखते थे, जिसमें नजुकड़ी ब्यावन आवे रे तो समूचे मारवाड़ में जोर शोर से गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत था। मंडोर में सदियों से परंपरागत तरीके से निकलने वाली रावजी की गेर का स्वरूप अब भी बरकरार है। मंडोर के निकटवर्ती मंडावता गोपी का बैरा, आमली बैरा, खोखरिया इत्यादि स्थानों के लागे विशेष रूप से रावजी की गैर निकालने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राव केवल खोखरिया बेरे का व्यक्ति बनता है व उसकी सुरक्षा का दायित्व मंडावतों के बेरे वालों पर होती है। आमली बेरे पर रावथापन होता है। बाद में तय किया जाता है कि राव किस व्यक्ति को बनाया जाए। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुंवारे को राव की पदवी नहीं दी जाती है। राव बनने वाले व्यक्ति का शादीशुदा व हष्टपुष्ट होना जरूरी है, ताकि वह 2-3 घंटे तक नाच सके। राव को मुकर्रर करने के बाद उसकी पीठ पर पहचान के तौर पर थापा मांड देते हैं। उसे रंगों से सराबोर कर सजा धजा कर फूल मालाएं पहना कर हाथ में मूसल दिया जाता है। राव जी की सवारी अजीत पोल से होती हुई मंडोर स्थित राजकीय संग्रहालय परिसर में पहुंचती है, जहां राव पानी के कुंड में कूद जाता है व उसके साथ 20-25 विवाहित व्यक्ति भी कुंड में कूदते हैं। वह रंग की डोलचियां भरकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। पहले लोग राव बनने से डरा करते थे, क्योंकि डालचियों की मार से डरते थे, लेकिन राव बनने वाला व्यक्ति अपने बचाव के लिए तराजू के पलड़े पीठ पर बांध लेता था। मंडोर गांव के चौधरी की ओर से राव को शगुन के तौर पर 2.5 किलो गुड़ व 7 नहाने वालों को 1.25 किलो गुड़ बांटा जाता था। रियासत काल में मंडोर की रावजी की गेर रखने वालों का तांता लगा रहता था, जो आज भी बरकरार है। मंडोर में आज भी पुरानी पीढ़ी के वे बुजुर्ग मौजूद हैं, जो कभी रावजी की गैर में शामिल होकर इसकी रौनक बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस।